कल शाम को सभी का मन था कुछ अटपटा चटपटा खाने का, तो मैंने भी सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जो झटपट से बन जाए और बहुत डिलीशियस भी लगे। तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट कर ली और साथ में ऊपर से धूप का कहर भी था मेरी किचन में। चलो यहाँ पर ले लेते हैं कुछ गोभी। एक हेल्दी सा स्नैक्स बनाते हैं जिसका नाम है गोभी मंचूरियन। मैंने यहाँ पर गोभी को अच्छे से देख के कट कर लिया था और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ में शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर ऐसे चॉप कर लिए हैं और ढेर सारा लहसुन हमने यहाँ पर चॉप कर लिया है। देखिए हमारी चारों इंग्रेडिएंट्स चॉप कर लिए हैं। जब हमारी गोभी 80% तक बॉईल हो जाए इसको ड्रेन कर लेंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए हमारी जो गोभी है 80% तक बॉईल हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 से 3 टीस्पून हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है। ज़्यादा नहीं लेंगे, हल्का हल्का बस कोटिंग हो जाए इतना ही लेना है। इन दोनों को हम डाल देंगे हमारी गोभी के ऊपर। देखिए एक हल्की सी कोटिंग हमें हमारी गोभी के ऊपर चाहिए। हमने दोनों हमारे मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल दिए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे जितनी आपको पसंद है, और साथ में डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची जो कि इतनी तीखी नहीं होती, लेकिन इससे कलर जो है बहुत अच्छा आएगा हमारे गोभी मंचूरियन का। इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इतना ही पानी डालिएगा कि हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाए हमारी गोभी के ऊपर। अब यहाँ पर हमने एक ले लिया है पैन हमने, और उसमें कुछ ऑयल हमने इसमें डाल दिया है, उसको हीट कर लिया है अच्छे से। ऑयल यहाँ पर तेज गर्म होना चाहिए और अपनी सारी गोभी हम धीरे धीरे करके डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। क्रिस्पी लेयर आने तक हमें हमारी गोभी फ्राई करनी है। पहले जब आप गोभी डालेंगे तब आप हाई फ्लेम रखें, लेकिन बाद में आप मीडियम फ्लेम कर दें, इससे हमारी गोभी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए अच्छा हमारी क्रंची सी लेयर आ गई है, हमारी गोभी हमने फ्राई कर ली है। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके अब सेकंड बैच में भी हमने अपनी सारी गोभी डाल दी है। कई बार क्या मन होता है ना कि शाम होते छुट्टी का दिन होता है कि कुछ अच्छा सा स्नैक्स खाने का मन करता है चाय के साथ, तो इससे इजी ऑप्शन कुछ होता नहीं है, झटपट से बन जाता है हमारा गोभी मंचूरियन। गोभी लो, बॉयल करो, इनको हल्का सा फ्राई करो और थोड़ी सी सब्जियां कट करो और हमारा झटपट से गोभी मंचूरियन बनकर रेडी हो जाता है। देखिए इतनी सी मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स कट करी हैं और उसी पैन में हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, बिल्कुल हल्का सा ऑयल रखेंगे हम। और इसमें डाल दिए हैं मैंने अनियन और इनको सोटे कर लेंगे हल्का सा। ज़्यादा आपको इनको ब्राउन नहीं करना है, हमें थोड़े पिंकिश ही अपने अनियन चाहिएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो एक जो क्रंचीनेस होता है वो चला जाता है हमारी वेजिटेबल्स का। इसके बाद हम डाल देंगे हमारी शिमला मिर्च डाल देंगे, इनको भी अच्छे से सोटे कर लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा आप ज़्यादा ऑयल ना डालें। जब आप इनको एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल दिया था, आपने देखा था बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ही था, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, हल्का सा ऑयल ही डालेंगे। इसके बाद हम डाल देते हैं हमारा लहसुन, और लहसुन की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि गोभी मंचूरियन में जो लहसुन का टेस्ट होता है ना वो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और लहसुन खाने में भी हेल्दी होता है और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है लहसुन की गोभी मंचूरियन से। इसके बाद हमने टमाटो डाल दिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, थोड़ी ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे, थोड़ी सोया सॉस डाल देंगे 1 टीस्पून 1 टीस्पून करके, मैंने ऐसे ही डाल दिया। आप मेजरमेंट करके डालेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मुझे तो मेजरमेंट है कि इतना डालेंगे ऐसे उसके, तो 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया। और इसके बाद हम बना लेते हैं एक स्लरी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मैदा लिया है और 2 से 3 चम्मच पानी लिया है और इसको अच्छे से घोल लेंगे। आप एकदम ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें जिससे कि स्लरी अच्छी बनेगी, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद वो पानी हम डाल देंगे जो हमने वेजिटेबल्स सोते करी हैं उनके अंदर। देखिए इस तरह से थोड़ा और पानी डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा गोभी मंचूरियन ग्रेवी वाला चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड करें, अगर आपको ड्राई चाहिएगा तो आप थोड़ा पानी ऐड करिएगा कि बस हमारे जो पानी इसमें सोख हो जाए, इतना ही पानी डालिएगा। ज़्यादा अगर आपको चाहिए ग्रेवी वाला तो ज़्यादा ऐड करें, कम चाहिए तो कम ऐड करें। इसे क्या होगा, मैं बना रही हूँ यहाँ पे ड्राई गोभी मंचूरियन तो मैंने बहुत कम पानी डाला है। इसके बाद हम डाल देंगे हमारी सॉस,
आप ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद हो उतने आप डाल दें। और इसके बाद लास्ट में हमारा मेन जाएगा गोभी, जिसको हमने फ्राई करके रखा था जिसमें अभी तक क्रंचीनेस है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप गोभी डाल दें इसके बाद आप ज़्यादा ना चलाएं, बस एक बार अच्छे से मिक्स कर दें कि जिससे कि गोभी के अंदर सारे फ्लेवर आ जाएं सभी मसालों के। देखिए हमारा गोभी मंचूरियन डिलीशियस सा बनकर रेडी हो गया है, जो झटपट से बन जाता है, विद इन हाफ एन आवर आधे घंटे में ये बनकर रेडी हो गया है हमारा गोभी मंचूरियन। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और झटपट से बन जाता है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। और देखिए सभी खा के तो खुश ही हो गए थे, ये इतना टेस्टी बना था और झटपट से बनकर तैयार हो गया था। आई होप आपको ये गोभी मंचूरियन की डिलीशियस सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी घर पर ट्राई करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप